नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत नागार्जुन की लगी हुई कविता शासन की बंदूक के ऊपर। इसके पहले हमने नागार्जुन की कविता कालिदास, अकाल और उसके बाद पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी इस क्रम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने शासन की बंदूक पर यह लेक्चर तैयार किया हुआ है और देखेंगे कि नागार्जुन जो कि अपने कविताओं में विविधता के लिए जाने जाते हैं, हर तरीके की कविता नागार्जुन ने लिखी है। खासतौर से उनकी कविता में राजनीतिक व्यंग बहुत दिखाई पड़ता है। अपने तत्कालीन जो सरकारें हैं उनकी खरी आलोचना करने के लिए भी नागार्जुन जाने जाते हैं। तो शासन की बंदूक शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ऐसा शासन जो बंदूक की नोक पर अपना काम कर रहा है, और कवि जो है उस शासन की एक तरीके से आलोचना करते हुए या फिर उस पर व्यंग करते हुए पूरी कविता लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम कुछ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिंदु देख लेते हैं कि इस कविता का प्रकाशन कब हुआ था। शासन की बंदूक जो कविता है इसका प्रकाशन सन 1966 में हुआ था। कई जगह पर इसको 1966 भी बोलते हैं। 1966 में इस कविता को नागार्जुन ने लिखा था। राजनीतिक व्यंग के तौर पर इस कविता को देखा जा सकता है। जो भी उस समय सरकारी व्यवस्थाएं थी या फिर सरकारी नीतियां थी उन पर एक तरीके से नागार्जुन ने व्यंग किया हुआ है। यह कविता एक मायने में और खास है कि यह दोहा छंद में लिखी गई कविता है। अक्सर हम दोहा छंद का प्रयोग देखते हैं कि भक्ति काल और रीति काल में खूब किए गए थे, और दोहा को केंद्र में रखते हुए बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखा हुआ था। लेकिन आधुनिक काल जो कि मुक्त छंद की बात करता है, कविता को मुक्त छंद में रखने की बात कवियों ने की है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से नागार्जुन ने पुराने काव्य रूप को दोहराया है और नए तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। यानी सवाल पूछा जा सकता है कि शासन की बंदूक नाम की जो कविता है ये किस छंद में लिखी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है दोहा छंद में। और जैसे ही मैंने कहा कि दोहा छंद में यह कविता लिखी गई है तो आपके मन मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि आखिरकार दोहा किस प्रकार का छंद है। मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग को दौड़ा लें। बाकी संकेत के रूप में मैं बता सकता हूँ कि 13:11 का इसमें रेशियो है, ठीक है। दोहा छंद जो कि भक्ति काल और रीति काल का एक प्रमुख छंद था, लेकिन नागार्जुन ने आधुनिक काल में और खासतौर से आजादी के बाद आकर एक कविता लिखते हैं शासन की बंदूक। इस कविता में आप देखेंगे कि कई चरित्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विनोबा भावे आएंगे, ठीक है, तानाशाही हिटलर का भी प्रयोग इसमें किया गया है, गांधी को भी याद किया है नागार्जुन ने। इसके बाद अंत में कविता में पता चलेगा कि जो सरकारी नीतियां होती हैं वो केवल मनुष्य विरोधी होती हैं, आम जीव जंतुओं पर उनका बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ता है। कविता आप देखेंगे सन 1966 में लिखी गई है, लेकिन इसका जो भाव है, भारत में आपातकाल जब लगा हुआ था तो उस समय का कुछ यहाँ पर संकेत आपको मिलेगा, यानी लगेगा कि कविता आपातकाल को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। ये कविता छोटी कविताओं में से गिनी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी कविता है। जब हम इसका वाचन करेंगे, पाठ करेंगे तो और अर्थ खुलकर आएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने के बाद हम कविता का पाठ करते हैं, देखते हैं कि कविता में नागार्जुन ने किस तरीके से तत्कालीन शासन की बात की है, और जो शासन है आजादी के बाद भी जहाँ पर आम जनजीवन को अमन चमन की बात ध्यान में रखनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर शासन जो है बंदूक की नोक पर काम करना चाहता है, तो उसी का पूरा बिंब यहाँ पर नागार्जुन ने रखने का प्रयास किया हुआ है। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक,
खड़ी हो गई चाप पर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। देख रहे हैं कि ये दोहा छंद में कविता लिखी गई है और इसमें नागार्जुन ने सबसे पहले वही बिंब प्रस्तुत कर दिया है, कंकालों की हुक। यानी कंकाल उसे कहा जाता है जब किसी मनुष्य का निधन हो जाता है तो बची हुई हड्डियों की जो संरचना होती है वो कंकाल कही जाती है। तो यहां पर नागार्जुन ने ये कल्पना की है, इमेजिनेशन की हुई है कि मानो जो कंकाल है, कंकालों की जो आ है वो खड़ी हो गई है चाँप कर, मजबूती के साथ खड़ी हो गई है और उसको देखने से ऐसे लग रहा है कि आकाश में कोई विशाल विराट बंदूक है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कंकाल आपके मन में आना चाहिए आपके सामने की कंकाल कभी क्या है कि ये उसकी कल्पना है। ऐसे लग रहा है कि जो कंकाल हैं उनकी जो आह है वो पूरे आसमान में बंदूक की तरह खड़ी हो गई। आगे और कविता क्लियर होगी। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। तो 1966 का समय रहा है और जो भी आगे के 4-5 साल रहे हैं ये शासन रहा हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी मेहनत के बाद आजादी प्राप्त की कि अपने लोग होंगे, अपनी इच्छाएं होंगी और वो पूरी होंगी, लेकिन यहां पर तो जस्ट उल्टा हो रहा है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थू, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यानी कि पूरी तानाशाही चरम पे है। गुमान, आप शब्द देख रहे हैं कि तानाशाही के रूप में सरकार अहंकारी हो गई है और इस पर सभी थूक रहे हैं, सभी थू थू कर रहे हैं, सभी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। और यही नहीं, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, और जो शासन बंदूक के नोक पर अपना काम करना चाहता है वो भी अंधा, गूंगा, बहरा सब कुछ हो गया है। उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ अपनी नीतियों के आगे, सिर्फ अपनी नीतियों को शासन की बंदूक के नाम पर वो पूरा करना चाह रहा है, जिससे कि ऐसे लग रहा है कि हमने लोकतांत्रिक ढंग की सरकार नहीं चुनी है बल्कि कोई हिटलरी गुमान वाली सरकार चुन ली है। और इस पर सभी निंदा कर रहे हैं, सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं। यहां पर एक शब्द आप देखेंगे कि कानी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पहले हमने नागार्जुन की ही कविता अकाल और उसके बाद में इस शब्द का प्रयोग देखा था, कानी कुतिया वहां पर प्रयोग किया गया था। और यहां पर नागार्जुन ने कानी हो गई शासन की बंदूक के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। यानी नागार्जुन इस शब्द को अपने कविता में लाने का प्रयास हमेशा करते हैं और किसी न किसी काव्य रूढ़ी के दृष्टिकोण से इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक खास अर्थ प्रदान करने के लिए है कि चीजों को देखते हुए भी सरकार नजरअंदाज कर रही। आगे और कविता में लिखा गया है, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। जहां पर शासन की बंदूक कानी हो गई है, यानी शासन बंदूक की नोक पर आवश्यक चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, वहीं उसकी बधिरता भी 10 गुनी बढ़ गई है। यानी किसी भी चीज को अनसुनी कर देगा। बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है बिनोबा, इनका पूरा नाम है बिनोबा भावे, जो कि किसानों के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और भूदान आंदोलन से इनका गहरा संबंध रहा है। और कई आलोचकों का मानना है कि बिनोबा भावे सरकारी संत थे, सरकार के हिसाब से वो अनशन आंदोलन जो भी करते थे। जैसे विनोद भावे को ज्यादा समझने के लिए सन 2012 में एक इन्हीं की तरह
आंदोलनकारी आए हुए थे जिनका नाम है अन्ना हजारे। ठीक है, उसी तरीके से विनोबा भावे भी थे। ऐसा माना जाता है कि जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था तो विनोबा भावे ने उसकी आलोचना न करके उसका समर्थन किया था और कवि नागार्जुन का ध्यान विनोबा भावे की तरफ गया हुआ है। वे लिखते हैं कि बढ़ी बधिरता 10 गुनी, जहां सरकार बधिर हो गया है और यही नहीं उसकी बधिरता 10 गुनी बढ़ गई है, और साथ में जो आम जनता के रक्षक हैं या फिर उसको दिशा दिखाने वाले हैं वो भी मूक हो गए हैं, मौन धारण कर लिए हुए हैं। आजकल भी कई आंदोलनकारी मौन धारण कर चुके हैं जब हम इस कविता पर बात कर रहे हैं तब। तो विनोबा भावे भी मूक हो चुके हैं, चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। धन्य 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 वह शासन की बंधु, यहां पर कवि ने 3 बार प्रयोग किया है धन्य धन्य। ठीक है, एक तरीके से देख रहे हैं ये व्यंग के तौर पर है कि धन्य धन्य वह, धन्य वह शासन की बंधु, ये जो सरकार है जो बंदूक के नोक पर काम करना चाहती है वो धन्य, व्यंग के रूप में धन्य शब्द आया हुआ है। आगे लिखते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जो शासन है वो काना हो चुका है, बधिर हो चुका है, बहुत लोगों को चुप करा चुका है। साथ में जिस गांधी के सपने को लेकर भारत आगे बढ़ रहा था, अब वो भी गांधी का सपना धीरे धीरे निरर्थक साबित हो रहा है। सत्य स्वयं घायल हुआ, गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। अब सत्य क्या है, वो स्वयं घायल हो चुका है, वो भी घायल हो चुका है, और अहिंसा चूक गई है, यानी सत्य और अहिंसा दोनों निरर्थक साबित हो गए, यानी धीरे धीरे गांधीवाद भी खत्म हो रहा है। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, और शासन की बंदूक जहां तहां दगने लगी, यानी कि गोली यानी कि बंदूक की नोक पर चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाने लगा। इस तरह से सत्य, अगर कोई सही बात कह रहा है, सत्य की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो शासन है वो तानाशाही हो चुका है, हिटलरी गुमान में आ चुका है। फलस्वरूप अहिंसा भी चूक गई है, क्योंकि यहाँ पर जब शासन की बंदूक चलेगी तो अहिंसा को चूकना ही है, यहाँ पर अहिंसा की जगह पर हिंसा ही शब्द आएगा। तो नागार्जुन राजनीतिक व्यंग करते हुए लिखते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, सत्य स्वयं से घायल हो चुका है, और अहिंसा भी चूक गई है, और जहां तहां शासन की बंदूक दगने लगी है। और आखिरी जो पंक्ति है ये बहुत कुछ कह रही है, ये पंक्ति उस तरफ संकेत कर रही है कि जो शासन की बंदूक है ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य विरोधी है। जली ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन आखिर की पंक्ति में लिखते हैं कि तमाम चीजें निरर्थक साबित हो रही हैं, विनोबा भावे मूक हो गए हैं, सत्य और अहिंसा चूक गई है, लेकिन जो कोकिला है, जो कोयल है, यानी जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने कामों को कर रहे हैं, शासन की बंदूक उनका कुछ नहीं कर पा रही है, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। और नागार्जुन ने लिखा कि जली ठूंठ पर बैठकर, ठूंठ ठूंठ शब्द का प्रयोग तब किया जाता है खास पेड़ों को लेकर जिनके ऊपर कोई जो न कोई शाखाएं होती हैं न पत्तियां होती हैं, कुछ नहीं बल्कि वो ठूंठ के रूप में होते हैं, ठीक है, और सूख गए होते हैं। जब वो अगर जले हुए हों तो और खतरनाक साबित होते हैं। उस पर बैठकर जो कोयल है वो कूंक रही है, और शासन की बंदूक जो तमाम चीजों को नियंत्रित कर चुकी है, तमाम चीजों को अपने हाथों में ले ली है, वो कोकिल को, कोयल को कूकने से नहीं रोक पा रही है, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। जैसे ही गोली छूटती है कोकिला कूक कर
उड़ जाती है या फिर वो अपने कूकने में कामयाब रहती है, बोलने में कामयाब रहती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नागार्जुन ने 1966 में एक कविता लिखी हुई थी और एक कविता कहीं ना कहीं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की तरफ संकेत कर रही है कि कवि ने उस परिस्थिति को कैसे देखा है। एक तरीके से इसको ऐतिहासिक कविता के रूप में हम देख सकते हैं और आपातकाल के दौर को भी समझ सकते हैं कि आखिरकार उस समय कैसी स्थिति रही होगी। क्योंकि कई बार हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि जब शासन आम जनता की बात को ठीक से नहीं सुनता है तो जितने भी प्रवक्ता इत्यादि हैं या फिर आसपास के बुद्धिजीवी हैं उनका यही कहना रहता है कि ये अघोषित आपातकाल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नागार्जुन उस जमाने में आजादी के लगभग 20 साल बाद की स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से हमने तत्कालीन राजनीति को भी देखा और उस राजनीति को नागार्जुन कितनी सूक्ष्मता से और गंभीरता से महसूस करते हैं उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। और जो भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि शासन की बंदूक कविता को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इनकी पंक्तियों को भी अच्छे से देख लिया होगा कि अगर किसी भी पंक्ति को उठाकर उसके भावार्थ को पूछा जाए या फिर उसमें आए हुए किसी शब्द का अर्थ पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे। और बाकी इसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए सवाल आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से कर पाएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज की ये कविता, इसकी व्याख्या और ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नागार्जुन की अगली कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।